दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म पे मैं ऑलरेडी दो तीन लेक्चर बना चुका हूं दिस इज अस्ट लेक्चर फ्रॉम माई साइड पोस्ट मॉडर्निज्म के पहले वाले लेक्चर जरूर चेक कर लेना उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा ठीक हैबाउट फ्रेडरिक जेमसन हु वॉज एन अमेरिकन मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरिस्ट ठीक है, so, है? यह मार्क्सिस्ट था इसके बारे में समझाऊंगा एंड ही वॉज अ स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट ठीक है स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट वो लोग होते हैं जो कि देखो स्ट्रक्चरलिज्म पर मैंने एक वीडियो बनाई है वो भी देख लेना उ वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम देर आर स्ट्रक्चर इन टेक्स्ट दर आर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेम वे दीज मार्क्सिस्ट द दीपल हुर आर स्ट्रक्चर इन दोसाइटी सोसाइटी में भी एक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है जो फॉलो किए जाते हैं उन लोगों को स्ट्रक्चलिस्ट मार्क्सिस्ट कहा गया ठीक है मार्क्सिस्ट जो दोनों ही पर्सपेक्टिव रखते हो एंड ही वॉज एन अमेरिकन ये याद रख लेना ठीक है अमेरिकन कई बार ऑप्शन में ऐसा भी आ जाता है कि ये जो थियरिस्ट है बताओ इसमें से अमेरिकन कौन सा है ब्रिटिश कौन सा है ठीक है तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है अमेरिकन था फ्रेडरिक जेम्सन मार्क्सिस था ये आ, और कल्चर स्टडीज में भी इसका थोड़ा बहुत नाम आता है अभी मैं इसके कुछ वर्क्स बताऊंगा इसके कुछ टर्म्स अच्छे समझाऊंगा ठीक है इस वीडियो को पूरा देखना ताकि मजा आए और सारे टॉपिक टॉपिक्स जो है वर्क जो है सारी एक्सप्लेन हो जाए क्लियर हो जाए ठीक है सो सबसे पहला इसका वर्क है पोस्ट मॉडर्निज्म में तो ये है ही है पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या कहता है वो भी बताऊंगा ठीक है पोस्ट मॉडर्निज्म इसका पहला वर्क है लिख लेना है ना पेन कॉपी साथ रख लो पोस्ट मॉडर्निज्म और कल्चरल कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म लेट कैपिटलिज्म की ये बात करता है वो क्या है वो भी बताऊंगा मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म भी है पोस्ट मॉडर्निज्म और कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्मीन नाइनटी वन इसका अगला जो वर्क है ठीक है यह एक हो गया ठीक है अगला वर्क है पॉलिटिकल अनकॉन्शियस पॉलिटिकल अनकॉन्शियस इसका सब टाइटल है डेरेटिव एक्ट नाइनटीन एटी वन ये भी मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल अनकॉन्शियस ये मैं समझाऊंगा ठीक है so, सो सबसे पहले इसके वर्क्स देख लो अब पोस्ट मॉडर्निज्म जो ये वर्क था और कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म इन दिस वर्क ही डिफाइन ही डिफाइंस पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म वाली इंट्रोडक्टरी लेक्चर में उसको देख लेना तो इसमें ये बोलता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म की बात करता है विद अ मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव एक के साथ ये मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करता है क्योंकि मार्क्सिस्ट था मैंने बताया आपको ठीक है लेकिन ये पोस्ट मॉडर्निज्म से काफी परेशान भी आ चुका था वो भी मैं थोड़ा सा आगे, आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा ठीक है एक इसका एक दो वर्क और लिख लो मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म एंड फॉर्म एक ये वर्क है इसका मैं ये बताऊंगा नहीं ये देख लेना आपने क्योंकि ये थोड़े माइनर वर्क्स में आ जाते हैं ठीक है एक इसका है अमेरिकन मार्क्सिस्ट अमेरिकन मार्क्सिस्ट ये दो वर्क्स भी इसी के हैं मेन ये दो वर्क्स अभी याद रख लो आगे दो तीन वर्क्स और भी बताऊंगा ठीक है ज्यादा नहीं बताऊंगा ताकि आप परेशान ना हो थोड़ी सी लिमिटेड से हम स्टडी करेंगे ताकि हमारा नेट का पर्पज फुलफिल हो जाए ठीक है ये आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है आगे चलते हैं अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है उस टर्म का नाम है नेशनल एलेगरी अगर आपने कभी सुना हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं सुना होगा तो आज अच्छी बात हो गई आज अच्छी बात यह हो गई कि सुनने को भी मिल गया और समझने को भी मिल जाएगा नेशनल एलेगरी ठीक है नेशनल एलेगरी एलेगरी तो आप सभी लोगों को पता होगा क्या चीज होती है एलेगरी होता है कोई भी ऐसी चीज कोई ऐसी इमेज कोई ऐसा वर्क कोई ऐसी स्टोरी कोई ऐसा प्लॉट जिसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग हो ठीक है एलेगरी जैसे कि वॉलपोन है उसमें भी हर चीज को लोगों को जानवरों के साथ रिलेट किया है सिंबलाइज किया है तो वो क्या है एलेग एलेगोरिकल वर्क्स होते हैं ऐसे ठीक है जिसमें कोई शिक्षा हो फेबल्स टाइप ठीक है तो एलेगरी होता है नेशनल एलेगरी अब नेशनल एलेगरी से हम क्या समझते हैं नेशनल एलेगरी एक ऐसी नेरेटिव होती है ये इसकी टर्म है ना नेशनल एलेगरी इज अ काइंड ऑफ नेरेटिव एसेंशियल जो फोकस होता है वो किस पे होता है नेशन स्टेट पे नेशन क्योंकि मार्क्सिस्ट था ठीक है तो इसीलिए ये नेशन की बात करेगा नेशन की बात करेगा, की बात बात करेगा करेगा सोसाइटी ठीक है पोस्ट मॉडर्निज्म की भी बात करेगा क्योंकि उसमें भी आता है ये ठीक है नेशन स्टेट का मतलब है ये कहते हैं कि जो नेशन स्टेट की एक डायमेंशन होती है मतलब कि हमारे देश की जो कंडीशन है सोसाइटी की जो कंडीशन है उसकी डायमेंशन बहुत बड़ी होती है

लेकिन एक एग्जिस्टेंस जो करोड़ों साल से चला आ रहा है ठीक है वो एग्जिस्टेंस वो एक नेशन स्टेट से उसको ये सिंबोलाइज करता है कि वो जो एग्जिस्टेंस होता है वो ह्यूमन लाइफ से ह्यूमन कैरेक्टर से इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा बढ़ होता है ठीक है तो नेशन कैलिगरी में यह क्या चीज एक्सप्लेन करता है Uh, कोई रोजमर्रा जिन की जिंदगी कोई स्ट्रगल जो एक छोटा इंसान कोई एरिस्टोक्रेटिक बंदा नहीं कोई बड़ा हेड नहीं कोई नॉर्मल सा आदमी जिसका हर रोज की एक दिनचर्या दिखाई जाती है ठीक है जिसमें उसको दिखाया जाता है कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है तो उस स्ट्रगल का मतलब है कि नेशन उससे बिल्ड हो रहा है आज हमारा कोई गरीब है वो स्ट्रगल कर रहा है दिन रात स्ट्रगल कर रहा है दिन भर का उसका जो शेड्यूल है हालांकि वो बहुत ही ड्रजरी भरा होता है बहुत ही थकाने वाला होता है ठीक है मंडेन होता है बिल्कुल बोरिंग सा तो वो चीजें जिसमें दिखाई जाती है उसके प्रोडिकमेंट्स उसके सकम्स उसकी जो वो प्रॉब्लम फेस करता है वो सारी चीजें वो नेशन स्टेट या फिर नेशनल एलिगरी में आती है ठीक है जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ों की बात होती है जिससे हमें सोसाइटी का नेशन का जिससे जिससे ग्रोथ होती है अब मैं बताता हूँ कि नेशनल एलिगरी जो है वो आई कहाँ से है तो इसने ये जो कंसेप्ट था ये इसने एक मोनोग्राफ लिखा इसने किस पे लिखा विनहम लेविस पे विनहम लेविस वाज आल्सो अ फेमस राइटर विनहम डी एच ए एम स्पेलिंग है विनहम नहीं पढ़ना है इसको द प्रोनाउंसिएशन इज विनहम डी साइलेंट है ठीक है विनहम लेविस। विनहम लेविस पे इसने एक मोनोग्राफ लिखा उसका नाम था फेबल्स ऑफ अग्रेशन 1979 ये एक इसने मोनोग्राफ लिखा विनम लेविस पे uh, ये नोवेल है वैसे एक ठीक है फेबल्स ऑफ अग्रेशन फेबल्स ऑफ ही था या ना हाँ फेबल्स ऑफ अग्रेशन है ठीक है 1979 में एंड देन अगेन कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर टर्म नेशनल एलेग्री इन हिज नेक्स्ट वर्क उस वक्त का नाम क्या था थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर इन दफ मल्टी नेशनल इन द एरा ऑफ मल्टी नेशनल कैपिटलिज्म ठीक है नाइनटीन एटी सिक्स ये इसका इसको इस वर्क में इसने आगे कंटिन्यू किया नेशनल एलेगरी को कहां पे किया? इसमें, में, कई ये आ सकता से, का, इतना याद रखना, इस से आया है ये कंसेप्ट ठीक है और नेक्स्ट इसने इसमें कंटिन्यू किया अब इसने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है नेशनल एलेगरी का इसने एक वर्क का नाम बताया है वो वर्क का नाम है झाला एक्स ए एल ए नाइनटीन सेवनटी फोर में यह वर्क आया ठीक है यह नॉवल था शायद ये वर्क है किसका सेम्बिन एस ई एम बी एन ई ओजमेन ओ यू एस

कॉन्शियस जो कि इसका वर्क भी है उसका सब टाइटल भी याद रख लेना uh, क्या सब टाइटल है नेरेटिव एज सोशली सिंबॉलिक एक्ट ठीक है ये। अब आते हैं हम पॉलिटिकल अनकॉन्शियस पे पॉलिटिकल अनकॉन्शियस ठीक है 1981 में ये वर्क आया ठीक है और ये टर्म भी है अब पॉलिटिकल अनकॉन्शियस ये क्या कहता है वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इसका मुझे मटेरियल भी कम ही मिल रहा था लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई ट्राई माई बेस्ट राइट नाई ऑल्सो टू एक्सप्लेन दिस टू यू पोलिटिकल अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि ये ऐसी इसने दो चीज़ें दो कंसेप्ट लिए दो राइटर्स के वो दो राइटर्स कौन थे एक था सिगमेंट फ्रॉइड ठीक है okay. फ्रॉइड में लिख देता हूँ सिगमेंट फ्रॉइड साइको एनालिटिक लिटरेटिशन वाला बंदा उसकी वीडियो में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है फ्रॉइड की वीडियो वो भी देख लेना ठीक है तो सिगमेंट फ्रॉइड जो बंदा था इस बंदे का इसने कंसेप्ट लिया विश फुलफिलमेंट डब्ल्यू आई एस एच ठीक है विश हाइफन फुलफिलमेंट ये इसका कंसेप्ट लिया दूसरा कंसेप्ट लिया इसने लेविस्ट्रॉस का S -R -A -U -S -S. इसको मैं में समझा चुका हूं, इसका एक कंसेप्ट है का ठीक ठीक है एम है में ये है? समझ लेना सेवेज माइंड तो इन दो कंसेप्ट को इसने लिया इतने सा हमने इतना सा याद रखना इसमें कि पॉलिटिकल अनकॉन्शियस में फ्रेडरिक जॉनसन ने इन दो कंसेप्ट को लिया क्यों लिया एक हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो ये क्रिएटिव वर्क्स होते हैं इसकी क्या डायमेंशन है ठीक है अब मैं बताऊंगा क्या है अब ये क्या कहता है कि कुछ क्रिएटिव वर्क ऐसे होते हैं जो कि किसी ऐसी अनकॉन्शियस प्रॉब्लम क्योंकि पॉलिटिकल अनकॉन्शियस ठीक है कोई ऐसी प्रॉब्लम जो अनकॉन्शियसली तो हम फील कर सकते हैं लेकिन कॉन्शियसली नहीं हमें पता नहीं कि ये प्रॉब्लम है लेकिन हम अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उसको फील करते हैं वो जो अनकॉन्शियस प्रॉब्लम होती है पॉलिटिकल भी हो सकती है सोशल भी हो सकती है उसको कौन दूर करते हैं क्रिएटिव वर्क कैसे दूर करते हैं सिंबोलिकली मतलब उनको खुद भी नहीं पता कि वो कुछ प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं कुछ ऐसे वर्क्स कई बार लोग लिख देते हैं जो कि, कि किसी प्रॉब्लम में बेस होते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम कॉन्शियसली हम देख नहीं पाते अपनी आंखों से ठीक है तो उस चीज को जो सॉल्व करते हैं क्रिएटिव वर्क्स जो होते हैं कई जो बुक लिख दी किसी ने अच्छी कोई क्रिएटिव क्रिएटिविटी है उसमें कुछ नया टॉपिक है तो ये क्या कहता है कि वो जो है सिंबोलिकली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं अनकॉन्शियस प्रॉब्लम्स को जिसको हम फील नहीं कर सकते जिसको हम देख नहीं सकते अब ये कहता है कि अब क्रिटिक्स का, का काम क्या रह जाएगा क्रिटिक्स का काम सिर्फ ये रह जाएगा कि जिस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहे हैं वो सिंबॉलिकली सोल्यूशन देंगे वो सिंबोलिकल सोल्यूशन अब क्रिटिक्स का, का काम क्या रहेगा कि जिस चीज का सोल्यूशन दे रहे हैं उसकी प्रॉब्लम तक जाना है ठीक है वैसे हमेशा ये होता है कि प्रॉब्लम से सोल्यूशन की ओर जाते हैं लेकिन ये कहता है कि सोल्यूशन से प्रॉब्लम की ओर आएंगे क्रिटिक फिर ठीक है तो ये है इसकी पॉलिटिकल अनकॉन्शियस की ऐसी कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो अनकॉन्शियस है ठीक है अनकॉन्शियसली हम फील कर सकते हैं उसको दूर करते हैं क्रिएटिव वर्क कैसे दूर करते हैं सिंबॉलिकली ठीक है कोई सोल्यूशन देते हैं वो ठीक है तो इतना तो हमारा पोलिटिकल अनकॉन्शियस हो गया अब जो एक दो चीजें और है ये बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म की मैंने बताया आपको पोस्ट और द लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म वाले वर्क में एंड ही सेज दैट आजकल क्या हो गया कि पोस्ट मॉडर्निज्म में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मीडिया ठीक है तो मीडिया से क्या हो गया मास कल्चर बन गया है मास मास कल्चर ठीक है मीडिया कल्चर अब आजकल मीडिया क्या कर रहा है आजकल देश में इतना किसान आंदोलन चला है ठीक है सब कुछ चला है मीडिया क्या कर रहा है बिका हुआ मीडिया है है ना सबको भटका रहा है एक अपनी आइडियोलॉजी हम पे थोप रहा है वो आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है हमारी जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट उसकी भी आइडियोलॉजी हो सकती है वो जो है वो हम पे थोपना चाहता है क्योंकि बिक चुका है ठीक है तो उस तरीके से कहता है कि जो मीडिया है हम पे थोप रहा है चीजें इट इज फोर्सिंग इट्स आइडियोलॉजी ऑन अस ठीक है उससे क्या हो रहा है एक मीडिया कल्चर बन रहा है मास कल्चर मीडिया कल्चर जिसके खिलाफ है मैंने पहले भी बताया था कि पोस्ट मॉडर्निज्म में लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ है ठीक है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है ठीक है तो उस तरीके से ये ये बात करता है कि मास मीडिया हो गया एंड ही आल्सो सेज दैट पोस्ट मॉडर्निज्म जो है पोस्ट मॉडर्निज्म इज एन एंड ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज ट्रेडिशनल आइडियाज ठीक है ये कहता है कि ट्रेडिशनल आइडियाज का एक एंड है और वो एंड कैसे हो रहा है एस्थेटिक चीजों से एस्थेटिक प्रोडक्शन कोई बहुत ही सुंदर चीज ठीक है जैसे कि इसने दो चीजों का एग्जाम्पल दिया है आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग ये याद रख लेना इसने किस चीज का एग्जाम्पल दिया इन दो चीजों का दिया आर्किटेक्चर और पेंटिंग को इसको इसने बोला है है कि ऐसी जो एस्थेटिक है, एस्थेटिक आर्ट्स प्रोडक्शन है उसकी वजह से क्या हो रहा है ट्रेडिशनल आइडियाज जो है हमारे खत्म हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है पोस्ट मॉडर्न एज में बहुत सारी अलग अलग चीजें आ गई है ठीक है फिर इसने एग्जाम्पल दिए हैं दो वर्क इसने एग्जाम्पल दिए वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं वो बताना ही पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा टाइम है हमारे पास तो इसने एग्जाम्पल दिए हैं कि हम कैसे माइंड सेट का पता लगाएं एक एक तरफ मॉडर्न मॉडर्न माइंड सेट है और एक तरफ पोस्ट मॉडर्न माइंड सेट है ठीक है इनका पता कैसे लगा है? इसने मॉडर्न दो वर्क को इसने कंपेयर किया है पहला वर्क है वैनगॉक का जी एच का इसके वर्क का नाम है पेजन्ट, पेजन्ट शूज ठीक है किसान के शूज ठीक है दूसरा वर्क है एंडी वॉरहोल एन डी वाई डब्ल्यू ए आर एच ओ एल इसका वर्क का नाम है डस्ट शूज ठीक है ये दो वर्क याद रख लेना इन दो वर्क को इसने कंपेयर किया है मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के माइंड सेट को समझने के लिए अब मैं आपको बस तीन चीजें बताऊंगा कि इसने तीन चीजों की जो बातें की है इसने लेट कैपिटलिज्म वगैरह वगैरह सबसे पहला आता है मार्केट कैपिटलिज्म सबसे पहला आता है मार्केट कैपिटलिज्म मार्केट कैपिटलिज्म फिर आता है मोनोपोली, ये बस आपने इतना याद रखना है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर आता है आपका लेट या फिर और मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म ठीक है अब ये कहता है कि मार्केट कैपिटलिज्म कब था ये था आपका रोमांटिक और रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज में ठीक है फिर ये कहता है कि जो मोनोपोली कैपिटलिज्म है ये कब आया मॉडर्न एज में और ये जो लास्ट वाला है लेट या फिर मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म ये आया पोस्ट मॉडर्न एज में बस इतना सा याद रख लो फ्रेडरिक जेमसन के बारे में ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही टाइम भी हो गया है मेरा क्योंकि मैं वीडियो इससे ज्यादा बना नहीं सकता हूं मेरा थोड़ा स्पेस का चक्कर है तो मुझे आपको आज इतना ही बताना था आज पोस्ट मॉडर्निज्म खत्म है मैं दो राइटर के और नाम बताता हूँ यूलिया क्रिस्तेवा एंड एक राइटर और है उसका नाम माइकल रॉटी है माइकल रॉटी उसकी स्पेलिंग में आपको देख के बताता हूं उसके आपने वर्क्स देख लेने ठीक है रिचर्ड मैके रॉटी एम रिचर्ड मैके रॉटी आप ऐसे सुन लो एम सी के वाई आर ओ आर टी वाई रिचर्ड मैके रॉटी और यूलिया क्रिस्तेवा यूलिया क्रिस्ते की इंटरटेक्शुअलिटी टर्म है वो मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी ठीक है और ये आपने देख लेना इसके दो चार वर्क देख लेना इसकी कोई मेन टर्म है नहीं रॉटी की ठीक है तो आज हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म खत्म है अब नेक्स्ट में कल्चर स्टडीज पे सीरीज शुरू करूंगा तब तक के लिए धन्यवाद मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और मेरा दाना मल्टी टास्कर के नाम से अकाउंट है मजा आएगा आप लोगों को तब तक के लिए खुश रहो आबाद रहो सबके साथ शेयर करो अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक पढ़ाता हूं और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को बाय